अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जिना न्यूज़। मैं हूं सरदार मुमताज अब्बासी इनकलाबी। आपको लाहौर ले चलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं कि मुस्लिम लीग काफ की पार्लियामानी पार्टी का इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। चौधरी शजायत और बशीर चीमा को पार्टी से निकालने की सिफारिशात जो मंजूर कर ली गई है। नाज़रीन आपको बताते चलें कि चौधरी शजायत ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को खत लिख कर कहा था कि हमारी पार्टी के लोग हमजा शहबाज शरीफ को वोट दें, जिस पर जिलाई ने सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला लिया कि चूंकि पार्लियामानी पार्टी हमारे पास है और मैं पंजाब का सदर हूं। आज चौधरी शजायत को मरकजी सदारत से हटा दिया गया और उसके साथ बशीर चीमा को भी हटा दिया गया है। मुस्लिम लीग काफ एक बार फिर दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक वो वक्त था कि मुस्लिम लीग एक थी और मुस्लिम लीग नून और काफ बनी थी, अब काफ से पी और एस बनेगी या शजायत बनेगी। नाज़रीन इसके साथ आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में पीडीएम का एक इजलास आगामी तौर पर वो भी इख्तिताम हुआ और उसमें मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ की गलत पॉलिसियों पर फट पड़े। मौलाना फजल रहमान ने रावलपिंडी से लाहौर तक लॉन्ग मार्च करने की तजवीज भी दे दी है कि अदलिया के फैसले के खिलाफ और अटक पार लोगों की दखलत पे लॉन्ग मार्च की जाए, जबकि मौलाना फजल रहमान का तल्लक भी अटक पार से है। इसी इजलास में मरियम नवाज का भरपूर मुतालबा रहा कि पीटीआई के चंद अराकीन के इस्तीफे मंजूर किए जाए, जिसमे इमरान खान का नाम भी शामिल है। नाज़रीन आपको बड़ी खबर से आगाह करते हैं कि पीडीएम के इजलास में बड़ा मुतालबा आया कि इमरान खान के साथ 10 पीटीआई के अराकीन कौमी असम्बली के इस्तीफों को मंजूर किया जाए, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने मशावरत से फैसला करने का कहा है और फैसला कर चुके हैं। किसी भी वक्त ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ सकता है। नाज़रीन देखते रहिए जिना न्यूज़, तेज तरीन खबरों के साथ हम पहुँचाएंगे आप तक सच की बात।